तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडिया के फर्स्ट अडल्ट मूवी को, जिसमें एक राजकुमार राजकुमारी को छोड़कर दासी के पीछे ना धोकर पड़ जाता है और घपाघप करने के जुगाड़ में रहता है। वो दासी इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई उसके साथ घपाघप करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम तारा और माया को देखते हैं। तारा एक राजा की बेटी है और माया एक दासी की बेटी है, और वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, मगर उनके बीच में जेलिसी भी है, क्योंकि माया हमेशा तारा की उतरन पहनती है और उसके टुकड़ों पर पलती है। इस चीज़ को तारा बार बार माया को नीचा दिखाकर साबित करती है। और दोस्तों, माया तारा से नृत्य और खूबसूरत दोनों में अव्वल है, शायद इसी कारण से तारा की वो जलती है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हमें रसा देवी को दिखाया जाता है, जो सभी को कामसूत्र के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि किस तरह से एक आदमी को अपने काबू में किया जा सकता है। फिर हम विक्रम को देखते हैं, जो तारा का भाई है, मगर वो माया को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो हमेशा माया से चिपकने के बहाने ढूंढा करता था, लेकिन माया उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। दिन बीतते हैं, अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों को राजा के सामने नृत्य करते हुए देखते हैं। राजा माया के नृत्य से खुश होकर उसको कपड़े देता है। माया वो कपड़े पहनकर अपने आप को शीशे में देख रही होती है, तभी तारा वहाँ आती है और कहती है, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, तुम उस दिन इन कपड़ों को पहन कर आना, वैसे भी मैं इन कपड़ों को पहन चुकी हूँ। फिर कुछ दिन बाद दूसरे देश का राजकुमार तारा को देखने आता है, मगर वो तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है, और ये देखकर फिर से तारा की वो जल जाती है। फिर वो माया को अपने पास बुलाकर उसके मुंह पर थूक देती है और वहाँ से भगा देती है। लेकिन माया इस चीज़ को ठान लेती है कि वो इसका बदला लेकर रहेगी, इसलिए शादी में खूबसूरत बनकर वो काम करने लग जाती है। तभी एक मूर्तिकार की नज़र माया पर पड़ती है। उसकी एक मूर्ति काफ़ी दिन से नहीं बन पा रही थी, तो वो सोच लेता है कि माया की ही मूर्ति बनाएगा। शाम को माया राजकुमार के पास जाती है। माया की खूबसूरती और जिस्म को देखकर राजकुमार अपनी हवस को रोक नहीं पाता और उसके साथ पलंग तोड़ काम करने लगता है, यानी कि घपाघप करने लगता है। यह सब विक्रम बाहर से छुपकर देख रहा होता है और रोने लगता है। फिर तारा और राजा की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त माया तारा से कहती है, आज तक मैंने तुम्हारे इस्तेमाल की हुई चीज़ों का यूज़ किया है, मगर आज से तुम मेरे इस्तेमाल किए हुए आदमी का यूज़ करोगी। तारा ये सब सुनकर समझ जाती है। फिर अगले दिन विक्रम माया से शादी के लिए पूछता है, मगर माया विक्रम को मना कर देती है। विक्रम को गुस्सा आता है और वो सभी राजा और माया के घपाघपके वाले कांड को बता देता है। इसके बाद धक्का मारकर माया को राजमहल और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ राजा तारा के साथ घपाघप करने के लिए मूड बना रहा होता है और गलती से तारा को माया के नाम से बुलाता है। यह सुनकर तारा को बहुत बुरा लगता है और वो राजा को अपने आप से दूर कर देती है। इधर माया दूसरे राज्य में चली जाती है, जहाँ पर वही मूर्तिकार बनाने वाला मिलता है, जिसका नाम जय कुमार होता है। फिर जय कुमार माया की मूर्ति बनाने लगता है। मूर्ति बनाने के लिए वो माया की पूरे शरीर को टच करने लगता है। इस चीज़ से माया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जय कुमार माया को समझाता है कि वो इसी तरह से मूर्ति बनाता है। अब माया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जय कुमार माया को रसा देवी के पास लेकर जाता है। रसा देवी माया को बहुत अच्छे से रखती है। माया जय कुमार को गलत समझ रही थी, जिस पर रसा देवी माया को बताती है कि जय कुमार औरों की तरह नहीं है, वो बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान है। माया को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो माफ़ी मांगने के लिए जय कुमार के घर चली जाती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दबाकर घपाघप करते हैं। इसके बाद जय कुमार का किसी काम में मन नहीं लगता, उसे हर जगह सिर्फ माया ही माया दिखती है, इसलिए वो माया को छोड़ देता है। माया जय कुमार को समझाने की कोशिश करती है, मगर जय कुमार बात को टाल देता है। उसके बाद माया रोते हुए रसा देवी के पास जाती है और सब कुछ बता देती है,
और कहती है कि मैं कामसूत्र की हर कला को सीखना चाहती हूँ। फिर रसा देवी सभी कला माया को सिखा देती है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति को बना लेता है और राजा को दिखाता है। राजा को मूर्ति बहुत अच्छी लगती है। राजा पूछता है कि ये मूर्ति किसकी है। जय कुमार बताता है कि वो लड़की अब यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। राजा मूर्ति से इतना खुश होता है कि वो सभी को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है और ढूंढने पर इनाम भी रखता है। इधर जय कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माया से मिलने रसा देवी के पास जाता है। रसा देवी जय कुमार पर गुस्सा होती है और माया से मिलने नहीं देती। जय कुमार वहाँ से चला जाता है। अब माया को पता चलता है कि राजा उसे ढूंढ रहा है, इसलिए राजा के ढूंढने से पहले ही वो राजा के पास चली जाती है, जहाँ पर उसे तारा मिलती है। तारा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माया उसकी एक नहीं सुनती। और उसके बाद राजा माया से पूरे मजे लेने लगता है और इस समय से उसे अपने राज्य की जरा भी परवाह नहीं होती। फिर कुछ टाइम बाद राजा का एक खबरी आता है और बताता है कि शाह हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पर इस बात को राजा पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। फिर माया रात को राजा के पास जाती है और रसा देवी के सीखे हुए कामसूत्र की कला का इस्तेमाल करते हुए राजा के साथ अब गपागप करती है। अगले दिन राजा जय कुमार के साथ कुश्ती लड़ रहा होता है, पर कुश्ती में जय कुमार राजा को हरा देता है। फिर राजा जय कुमार की तारीफ करता है और कहता है आगे से मुझे हराने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद राजा जय कुमार को महल में बुलाता है और उससे माया की मूर्ति बनाने के लिए कहता है। इस पर जय कुमार मान जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है। वो राजा से कहता है मूर्ति बनाते वक्त कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं रहेगा, जिस पर राजा मान जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। राजा के जाने के बाद जय कुमार माया से शादी के लिए पूछता है और माया भी शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ राजा के साथ विक्रम भी होता है, जहां वो विक्रम के अपाहिज होने पर मजाक उड़ाता है। इस बात से गुस्सा होकर वो शाह को राजा पर हमला करने का संदेश भेजता है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने रोज माया से मिलता था और दबा कर रंग रंगलिया मनाता था और दबा कर गपा गप करता था। अब ये बात राजा को पता चल जाती है, इसलिए वो दोबारा से जय कुमार के साथ कुश्ती लड़ता है, लेकिन इस बार भी राजा हार जाता है। राजा गुस्से में आकर जय को बंदी बना लेता है। जय कुमार को छुड़ाने के लिए माया तारा से मदद मांगती है। तारा कहती है कि राजा किसी की भी नहीं सुनता है। एक आदमी के जरिए तारा माया को जय कुमार से मिलवा देती है। माया जय कुमार से कहती है हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पर हम शादी कर लेंगे। इसके बाद माया राजा के पास जाती है और कहती है आप जय कुमार को छोड़ दो, उसके बदले जो भी आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माया के जाल को राजा समझ जाता है और माया को अपने से दूर हटा देता है। उसके बाद अगले दिन राजा जय कुमार को हाथी से कुचलवा कर मरवा देता है। माया ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। तभी शाह की सेना राजा पर हमला कर उसे मार डालते हैं। इसके बाद माया जय कुमार की विधवा बनकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।